श्रीगंगानगर में अध्यक्ष दीपक चड्ढा और किसान नेता महिमा सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान राजस्थान प्रभारी दिल्ली विधायक विनय मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ताओं माला पहनाकर पार्टी में शामिल किया। दीपक चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी नफरत की बात नहीं करती, इसलिए वे इस पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के लोग दावा करते हैं कि हमने इतने करोड़ की सड़कें बना दी हैं, लेकिन सड़कें 2 माह में ही टूट गईं। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है वे काबिले तारीफ है। दुखी है ये दोनों पार्टी जनता को ठगने के अलावा कोई काम नहीं करती। आज अब ये जनता जाग चुकी है, अब विदाई कांग्रेस और बीजेपी की तय, और आने वाला समय आम आदमी पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी और हमारा राजस्थान में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इसकी मैं आने वाले सभी प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगा, आपके चैनल के मदद से आप आम आदमी पार्टी से जुड़िए। देश हित के लिए, राष्ट्र हित का निर्माण के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।